हेलो गाइस, आपके अपने चैनल सेमा क्रिस टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइस, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, हम वीडियो में बात करेंगे गुडियर इंडिया लिमिटेड, आज की कंडीशन की बात करें, कल की बात करें, पांच दिन की बात करें। गाइस, ये नीचे आ रहा है तो अभी क्या चांसेस है, ऊपर जाने के चांसेस है, और ऊपर क्यों गया था ये, क्योंकि अगर बात करें पीछे की तो गाइस 900 रुपए से उठ के अभी जो की 1300 रुपए को क्रॉस कर चुका है। सो गाइस, पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें तो 1260 रुपए के आसपास इसका आज का ये लो की बात करें 1200 रुपए इसका आज का लो है। अगर इसके बाउंड्री हाई की बात करें 1331.85 रुपए इसका बाउंड्री का हाई है। तो गाइस, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले ही 2-3 दिन पहले की ही बात है कि इसने एक नया बाउंड्री हाई सेट किया था। बाउंड्री लो की बात करें 686.30 रुपए इसका बाउंड्री लो है। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो गाइस ओवरऑल जो हाई अभी जो इसका बाउंड्री हाई है वहीं इसका मैक्सिमम है, एंड काफी जबरदस्त कंडीशन में है अगर बात करें गुडियर की एट प्रेजेंट। एंड अगर बात करें इसके जो कि अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो काफी सारी चीजें इसमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। सबसे पहले हम इसका शॉर्ट एनालिसिस चेक कर लेते हैं। तो गाइस स्ट्रेंथ जो कि नो स्ट्रेंथ है, 6 वीकनेस है, 1 अपॉर्चुनिटी है, 1 थ्रेट है। आज के वॉल्यूम की बात करें तो गाइस करीब करीब जो कि एक जो कि 97,000 के आसपास क्वांटिटी जो कि वॉल्यूम यहां पर जो कि ट्रेड हुआ है मार्केट में। तो गाइस स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ की बात करें कंपनी विद हाई टीडीएम ईपीएस ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विद नो डेट, कंपनी के ऊपर डेट कुछ भी नहीं है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, हाई डिविडेंड्स विद राइजिंग डिविडेंड यील्ड ओवर लास्ट 5 ईयर्स, स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। एंड अगर बात करें वीकनेस की तो नेगेटिव ब्रेकडाउन फर्स्ट सपोर्ट म्यूचुअल फंड ने आप लास्ट क्वार्टर में होल्डिंग जो कि डिक्रीज की है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, आरओई डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 इयर्स, इनएफिशिएंट यूज ऑफ असेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, ROI declining in the last 2 years, decline in net profit with falling profit margin, quarter on quarter declining net cash flow, company not able to generate net cash। And अगर बात करें इसकी opportunities की, RSI indicating price strength। And अगर बात करें इसके जो कि threat की, एक threat भी है, red flag, resignation of top management। So ये यहाँ पर जो कि अभी ऊपर क्यों गया, सबसे बड़ा रीजन तो जो कि एक डिविडेंड इसने जो कि कंसीडर किया था जब लास्ट टाइम जब बोर्ड मीटिंग हुई थी, और वो डिविडेंड कितना बहुत ही बड़ा डिविडेंड है जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो कि इतना जंप ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो लास्ट 3 दिन की बात करें तो टोटली यहाँ पर जो कि नेगेटिव है, इवन कंडीशन काफी खराब है। तो एक न्यूज और भी आई है कि इसकी जो कि कोई कंप्लेन आई है क्या इन्वेस्टर की, वो कंप्लेन रजिस्टर भी इसके जो कि अभी आ चुका है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो कि अभी एट प्रेजेंट सेंटीमेंट क्या है, जो गाइस सेंटीमेंट इसका 75% बाय 13% चैनल, 12% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर इसके हम फाइनेंशियल की बात करें तो गाइस क्वार्टरली यहाँ पर जो कि रेवेन्यू जो कि जंप अच्छा खासा देखने को मिल रहा है मार्च क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में एक हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो एक अपीयर बात करें तो एक बड़ा जंप भी देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो करीब करीब सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसकी होल्डिंग, तो गाइस मार्च में होल्डिंग 74% जो कि प्रमोटर होल्डिंग है, एंड अगर बात करें पब्लिक की 16.44% पब्लिक होल्डिंग है। की बात करें इन्वेस्टर्स की बात करें 7.79% में फोर्स की होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें 25% यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, अदर्स की बात करें 0.02% यहाँ पर अदर्स की भी एंट्री है। तो गाइस यहाँ पर जो कि एक साल से कोई चेंज नहीं है प्रमोटर की बात करें तो। एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है 0.51% जो कि, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें 0.02% यहाँ पर मार्च क्वार्टर में ये यहाँ पर जो कि चेंजेस आया है। एंड गाइस यहाँ पर जो कि इतना बड़ा जंप क्यों देखने को मिल रहा है, तो गाइस सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें शेयर है टोटल नंबर ऑफ मार्केट में शेयर है मार्केट में वो गुडियर के काफी कम है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखते हैं इसमें कि कितने हैं। सो गाइस ये लिस्ट है मेरे पास जो कि जो मार्च क्वार्टर की लिस्ट है किसकी कितनी होल्डिंग है। तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो गाइस प्रोमोटर होल्डिंग जो कि 1,70,69,215 जो कि इक्विटी शेयर इनके पास होल्ड पे है अभी, तो गाइस ये अभी जो कि प्रोमोटर के पास है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें 59,97,292 क्वांटिटी जो कि
पब्लिक के पास है, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, डोमेस्टिक भी है, अदर्स भी है, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी है वो है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी 2,30,66,507 क्वांटिटी, जो कि अभी वॉल्यूम इसका जो क्वांटिटी जो कि मार्केट में जो फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट में घूम रहा है, वो इतनी क्वांटिटी है। तो गाइस क्वांटिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जो कि अभी प्राइस की बात करें तो बहुत ऊपर गया हुआ है। एंड गाइस अभी जो रीजन क्या है इसके पीछे कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, अभी इससे पहले क्यों नहीं गया, इवन काफी सारी न्यूज। तो सबसे बड़ा रीजन है ये न्यूज जो कि इसने डिविडेंड रिकमेंड किया था, जो कि 98 रुपीज टोटल डिविडेंड है, 98 रुपीज का, जिसमें फाइनल डिविडेंड 18 रुपए है एंड स्पेशल डिविडेंड 80 रुपीज जो कि रिकमेंड किया गया था। एंड ये डिविडेंड कब मिलेगा, तो गाइस किसको कब मिलेगा ये डिविडेंड, वो सारी चीज भी यहाँ पर मेंशन है। द फाइनल डिविडेंड एंड स्पेशल डिविडेंड इफ अप्रूव्ड बाय द मेंबर एट द फोर्थकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे August 12th, 2021 shall be paid within the statutory time limit to those members whose name would appear in the register of the members on Thursday, August 5. So guys, August 5, ज्यादा दिन नहीं है, 2 हफ्ते और बचे हैं बस, जिसकी वजह से ये इतना ऊपर गया। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक इसमें जो कहानी है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखे और ये काफी ऊपर तक जाए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था गाइस 1300 रुपये तो कम से कम ये जाएगा, 1300 रुपये तो कम से कम क्लोज करेगा। हो सकता है अभी कंडीशन ऐसी है क्योंकि 2 हफ्ते और पड़े हैं, तो हो सकता है आपको 1400 रुपये को क्रॉस भी कर जाए, क्योंकि अभी जो कि ये एक्सटेट इसकी थर्ड, अगर हम 3rd अगस्त तक मान के चले इसकी एक्सटेट, क्योंकि रिकॉर्ड डेट 5 अगस्त है, तो गाइस 3rd अगस्त तक तो करीब करीब 2 हफ्ते 10 दिन तो ऑलरेडी अभी बाकी है, गाइस काफी चांसेस है ऊपर जाने के। तो 1400 रुपये के आसपास इसका टारगेट सेट करके अभी भी चल सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखें, जैसे ही ये जो एक्सटेट जो कि निकल जाएगी 3rd अगस्त, उसके बाद हो सकता है काफी नीचे आए, 200 रुपये भी नीचे आ सकता है, 300 रुपये भी नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे जब 80 रुपीज का डिविडेंड दिया था उस टाइम पर भी कहानी कुछ ऐसी हुई थी, 80 रुपए की बजाय ये 250 से 300 पॉइंट नीचे चला गया था शेयर प्राइस। तो गाइस काफी सारे जो कि इन्वेस्टर वहां पर उस टाइम के भी यहां पर जो कि ऑलरेडी जो कि इसमें होल्डर हैं जो कि इक्विटी के, तो गाइस हो सकता है यहां पर अभी निकले हो जब 1300 रुपये इसने क्रॉस किया था, गाइस अभी ले सकते हैं, बट अगर आपको डिविडेंड चाहिए देन ऑफकोर्स यू नीड टू होल्ड, बट मेरा सजेशन यही है कि डिविडेंड से पहले आपको निकालना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है 200 से 250 रुपए फिर से इसमें जो कि डाउनफॉल देखने को मिले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक न्यूज और आई है कि इन्वेस्टर की जो कंप्लेन है जून क्वार्टर की, तो टोटल कंप्लेन आई थी वो 4 कंप्लेन थी, इसमें रिजोल्व हुई है 2 और 2 अभी क्वार्टर एंड के बाद, अभी 2 का अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, जो कि ये अभी जो कि जो इन्वेस्टर कंप्लेन है, तो गाइस ये अभी डेटा है अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक न्यूज आई थी ZF एंड गुडियर प्लान टायर एंड फ्लिट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस फॉर सीरीज इन यूरोप। सो गाइस एक ये बहुत ही बड़ा टाइप हुआ है, दोनों का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, काफी जबरदस्त न्यूज है गुडियर के लिए भी और ZF के लिए भी। तो गाइस ये काफी जबरदस्त न्यूज यहाँ पर जो कि फ्लैश हुई है, ऑफकोर्स ये ऐसी न्यूज की भी जरूरत है अभी अगर गुडियर को ऊपर जाना है तो। सो गाइस काफी जबरदस्त कंडीशन में अभी अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखे गुडियर की। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।